साथियों, मैं मानता हूं महाराष्ट्र की बहुआयामी प्रगति का अगर कोई पहला नायक है तो वो है यहां का किसान। जब महाराष्ट्र का, विदर्भ का किसान खुशहाल होगा तभी देश भी खुशहाल होगा। इसलिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार 6000 रुपये किसानों के लिए भेजती है, महाराष्ट्र सरकार उसमें 6000 रुपया और मिलाती है। महाराष्ट्र के किसानों को अब 12000 रुपया सालाना मिल रहा है। फसलों के नुकसान की कीमत किसान को न चुकानी पड़े, इसके लिए हमने 1 रुपये में फसल बीमा देना शुरू किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने किसानों का बिजली बिल भी 0 कर दिया है। इस क्षेत्र में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार के समय से ही कई प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आ गई जिसने सारे कामों पर ब्रेक लगा दिया। इस सरकार ने फिर से सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट को गति दी है। इस क्षेत्र में करीब 85000 करोड़ रुपए की लागत से पैनगंगा नलगंगा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलडाणा इन 6 जिलों में 10 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की जो मांगे थी उन्हें भी हमारी सरकार पूरा कर रही है। प्याज पर एक्सपोर्ट टैक्स 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। खाद्य तेलों का जो आयात होता है उस पर हमने 20% टैक्स लगा दिया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसका बहुत फायदा हमारे सोयाबीन उगाने वाले किसानों को होगा। जल्द ही इन सब प्रयासों के परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक सावधानी भी बरतनी होगी। जिस कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों ने किसानों को इस हालत में पहुंचाया, बर्बाद किया, हमें उन्हें फिर मौका नहीं देना है। क्योंकि कांग्रेस का एक ही मतलब है, झूठ, धोखा और बेईमानी। इन्होंने तेलंगाना में चुनाव के समय किसानों से लोन माफी जैसे बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो किसान लोन माफी के लिए भटक रहे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में हमें इनकी धोखेबाजी से बचकर रहना है।